दूसरा हमारा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मीडियम एग्जैक्टली पानी का भी सेम है और सेल का भी सेम है, तो कोई पानी की मूवमेंट नहीं होगी अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब सेल भी अपने ही शेप में रहेगा और पानी भी वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन या ऐसे फिनोमिनन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मीडियम का लोअर कंसेंट्रेशन है पानी का और सेल में कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो सेल विल स्टार्ट लूजिंग द वाटर एंड इन सच केसेस सेल पूरा श्रिंक हो जाएगा और वो श्रिंक होने से वो बन जाएगा हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। आप जैसे देख सकते हो, अगर पानी का कंसेंट्रेशन यहाँ पे कम है तो ये सेल ने श्रिंक होना स्टार्ट कर दिया, ये पानी बाहर आने लगता है, तो इसे हम कहेंगे हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। एंड सेम इज प्लाज्मोलाइज्ड। अब प्लाज्मोलाइज क्या है वो हम आगे देखेंगे। सेल वॉल, अच्छा वी नो दैट दिस पर्टिकुलर जंक्शन, इसे हम सेल वॉल कहते हैं। बेसिकली इट इज फॉर द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टन थिंग्स। मतलब CO2, O2 का एक्सचेंज, पानी का एक्सचेंज, ये सब सेल वॉल कर लेती है। सो बेसिकली सेल वॉल कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? तो भाई अगर लिविंग सेल ने पानी लूज करना स्टार्ट कर दिया थ्रू ऑस्मोसिस, तो वो सेल वॉल जो होगी उसमें जो न्यूक्लियस होगा वो श्रिंक हो जाएगा, तो उसी को हम कहेंगे प्लाज्मोलिसिस। मतलब वी सी द फिनोमिनन ऑफ प्लाज्मोलिसिस अकरिंग इन द सेल। आपको अगर अगर आपने देखा है तो कि प्लांट होता है उसमें लीफ होता है, तो कई बार लीफ होते हैं ना वो विल्ट कर जाते हैं। विल्ट मतलब ऐसे रोल करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें पानी अब कम होता जा रहा है, जितना था उतना वो बाहर आते जा रहा है, तो लीफ एकदम सिकुड़ जाता है। सो दैट इज प्लाज्मोलिसिस। सो इन अ वे आप कह सकते हो कि प्लाज्मोलिसिस एंड हाइपरटोनिक का कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही है। प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे हैव अ रिजिड आउटर मेम्ब्रेन जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। अब ये जो सेल वॉल है ना, देखो यहाँ पे ना दो मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली और अंदर वाली। तो ये जो है ना अंदर वाली उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, बाहर वाली को हम सेल मेम्ब्रेन सॉरी सेल वॉल कहते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन एक, और ये बाहर वाला जो है उसे हम सेल वॉल कहेंगे। तो ये सेल वॉल किससे बना होता है? तो सेल्यूलोज से। तो ये क्या करता है? तो जब भी प्लांट में जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर ज्यादा आता है, तो ये सेल वॉल हेल्प करता है प्लांट को अपना स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही बनाने के लिए, और कोई भी गलती ना अंदर जाएगी ना बाहर जाएगी, इसके लिए हमें ये सेल वॉल हेल्प करता है। सो इसका फंक्शन क्या हुआ कि इट परमिट्स द प्लांट फंगाई और लेट्स से बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट मीडियम विदाउट बर्स्टिंग। मतलब अगर सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती है हाइपोटोनिक जैसी, जहां बस पानी भरता ही जा रहा है भरता ही जा रहा है, तो ये वाली जो सेल वॉल है ना वो बर्स्ट नहीं करेगी, टूट नहीं जाएगी। सेल वॉल विल हेल्प टू रिटेन द वॉटर इन द सेल। ओके, अब नेक्स्ट हम जाएंगे न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, दैट वी विल बी स्टडिंग टुडे।